गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम लोगों का कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रैक्टिकल थियरी जो भी है वो हम लोगों को घर से ही कराना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको घर से ही कर लीजिए जब तक कि कॉलेज ओपन ना हो जाए। तो आज बायोकेमिस्ट्री का लैब है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था लैब में, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो आज करना है परफॉर्म। डेट आप लोग मेंशन कर दीजिएगा सब लोग, जिस डे वाइज जिसका प्रैक्टिकल होता है जिस बैच का वो अपने अकॉर्डिंग डेट मेंशन कर देगा। उसके बाद हम लोग मैनुअली प्रोसीजर एम जो भी है उसको फॉलो करेंगे। तो एम है आप लोगों का तीसरा, टू परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ स्टार्च। हमें स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है, तो आप लोग लिख लीजिए अपने रिकॉर्ड फाइल में भी, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एम टू परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ स्टार्च। आफ्टर दैट रेफरेंस, रेफरेंस ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमेशा आप लोगों को बताया जाता है कैसे लिखना है, आप लोग बुक से फॉलो करिए। जो भी पहले 2 प्रैक्टिकल में जिस तरीके से लिखने को बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बट पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, 1 या 2 रेफरेंस दीजिए, ज़्यादातर अच्छा होगा 2 रेफरेंस मिले तो। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में हम लोग क्या क्या केमिकल यूज करेंगे, क्या क्या क्लासफेयर प्रेटर्स जो भी हैं यूज करेंगे वो लिखते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो केमिकल में हम लोग मॉलिस रेजेंट, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी सोल्यूशन, बेंडिकेट रेजेंट, 1 नेफ्थॉल, आयोडीन सोल्यूशन, सेलिन मॉफ रिएजेंट, ये केमिकल यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ स्टार्च। एपरेटर्स ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी कर चुके हो कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, क्या क्लासवेयर यूज होगा किसी भी टेस्ट को करने के लिए, जिसमें लगेगा टेस्ट ट्यूब होल्डर। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं मेंशन किया है, आप लोग मैं इसको मेंशन कर लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर एंड स्ट्रिंग रॉड फॉर द सेकिंग जो भी है। उसके बाद थियरी, थियरी लिख के नहीं देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप ये लोग खुद से ही बुक से फॉलो कर तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बट मैंने लिख दिया है बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे या किसी के पास बुक ना हो इसके वजह से। तो थियरी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च उसमें पाया जाता है जो भी है, उसका डिफिनेशन, उसके टाइप्स, ये चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं मेंशन की है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैंने छोड़ा है आप लोगों को करने के लिए, आप लोग इसको खुद से ही लिखिएगा बुक से। डिफिनेशन वगैरह मैंने लिखा है, बट फंक्शन एटलीस्ट 4 या 5 फंक्शन जो भी है वो बायोकेमिस्ट्री का जो थियोरी पोर्शन है वहाँ से आप लोग लिख के रिकॉर्ड में ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है प्रोसीजर, प्रोसीजर में जो आप लोगों को केमिकल रिक्वायरमेंट्स हुई है उसका प्रोसीजर फॉलो करना है, परफॉर्म करना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए स्टार्च का। तो पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, लॉकडाउन की वजह से हम लोग ये मैनुअली करना पड़ रहा है, जब भी कॉलेज ओपन होगा तो हम इसको प्रैक्टिकली लैब में करेंगे। बट फिलहाल आप लोग लैब रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए।
मैनुअली, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है लॉकडाउन की वजह से ख़राब ना हो, एटलीस्ट कुछ तो हो जाए। तो पहला टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में क्या करेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स जो सैंपल है, सैंपल लेंगे, सैंपल सॉल्यूशन, और उसमें मॉलिस रिएजेंट ऐड करेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे अलोंग द साइड ऑफ द ट्यूब। किस जो साइड होता है, एक साइड से टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड H2SO4 जब ऐड करेंगे तो वॉलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड, दो लिक्विड के जंक्शन पे जो है वॉलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा, वॉलेट कलर का रिंग दिखेगा आप लोगों को कलर चेंज होके। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा टेस्ट फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करेंगे, 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे ए एंड 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे बी। ए एंड बी 2 ml लेके उसमें 2 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसके बाद इसको वाटर बाथ पे ऐड जब बॉयल करेंगे, मैंने यहाँ पे वाटर बाथ ऐड नहीं किया है, आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसको जब वाटर बाथ पे बॉयल करेंगे तो ब्रिक रेड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दैट मीन्स कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी, ऑलरेडी आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या करते हैं, ये आप लोगों ने सुक्रोज और फैक्टोर का टेस्ट हुआ था लैब में, तो जो बच्चे आए होंगे उन्होंने किया होगा, कैसे किया था क्या करना था, तो उसको जो भी फॉलो किया था उसी के तरह से इसमें भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ स्टार्च का परफॉर्म करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो होता है। क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट में 2 ml ऑफ टेस्ट सैंपल, दैट मीन जो सैंपल बनाया है जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए स्टार्च का, उसमें 1 ml डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 ml आप टेस्ट सैंपल लेंगे, 1 ml डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। जब ब्लू कलर का फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स स्टार्च जो है कन्फर्म हो गया, इसका मतलब कि स्टार्च जिसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लोगों ने किया है वो कन्फर्म है, ठीक है। फिर है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट में क्या करेंगे, 2 ml ऑफ टेस्ट सैंपल प्लस 2 ml बारफोर्ड रिएजेंट, 2 ml टेस्ट सैंपल में 2 ml बारफोर्ड रिएजेंट ऐड करेंगे, देन बॉयल इट ऑन वाटर बाथ, इसको वाटर बाथ पे बॉयल करेंगे तो रेड पीपीटी का फॉर्मेशन, पीपीटी दैट मीन्स प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा दो लेयर में, इसका मतलब ये है मोनोसेक्राइड अब्सेंट है, पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट लिखना है, ठीक है। ये जो भी है टेस्ट, इसको आप लोग ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डाल के जो भी है लैब रिकॉर्ड बुक जो भी कॉपी है उस पर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा मैनुअली, और लैब रिकॉर्ड कंप्लीट करके जिस बैच का जिस डे को प्रैक्टिकल होता है
उसके अकॉर्डिंग डेट देख चेक करके आप लोग डाल दीजिएगा। और इसका एक जो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसको अपने सब्जेक्ट टीचर से या फिर मेरे से कंप्लीट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ मेल या फिर व्हाट्सएप जो भी है शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि हाँ आप लोग घर पे बैठ के कम एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो। ठीक है, एनी अदर डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बाकी जो भी है आप लोग लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।